कृष्णाभिषेक का नाम सुनते ही कॉमेडी नाइट्स बचाओ के कृष्ण और सुधीर जी की जोड़ी कपिल शर्मा शो की सपना याद आती है। पर क्या आपको पता है कृष्णा कॉमेडियन ही नहीं है, इनको तो बचपन से असिस्टेंट डायरेक्टर बनना था पर ये गलती से एक्टर बन गए, फ्लॉप हो गए। उसके बाद अपनी वाइफ के कहे जाने पर कॉमेडी में कूद पड़े और शायद आज ये इंडिया के मोस्ट पेड कॉमेडियंस के लिस्ट पर आते हैं। पर आप सबको ये पता ही होगा कि ये गोविंदा के भांजा है और आप सबने कॉमेडी पंचेज में बहुत बार ये सुना ही होगा। पर आप सबको एक बात जानकर हैरानी होगी कि इनकी लाइफ एक सुपरस्टार के रिलेटिव होने के बाद भी इतनी आसान नहीं थी। बहुत टाइम तक तो इनको इनके घर का रेंट देने के लिए भी 4-5 हजार की नौकरी करनी पड़ी है और आज ये पर एपिसोड के 20 लाख रुपए से भी ज्यादा चार्ज करते हैं। पर ये 5 हजार से 20 लाख रुपए वाली जर्नी इन्होंने कैसे तय करी, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू से शुरू की जाए तो अभिषेक शर्मा, जिनको हम कृष्णाभिषेक के नाम से जानते हैं, ये हिमाचल से बिलोंग करते हैं। दरअसल इनके पिता हिमाचल से अपनी जमीन बेचकर उन पैसों से सूट और ट्रेन की टिकट खरीदकर हीरो बनने के लिए मुंबई आ गए थे। कृष्णा के घर में सभी उनके पिता को बहुत गालियां देते हैं क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और 500 रुपए में अपनी जमीन बेच दी और कुछ सालों में उस जमीन की कीमत करोड़ों में हो गई। कृष्णा का बचपन देखा जाए तो उनका और उनके पिता का जुहू में घर था। उन्होंने फराह खान के पिता से वो घर खरीदा था और फराह खान उनके पिता को राखी बांधा करती थी। बचपन से ही सलमान खान, सोहेल खान उनके घरों में आया जाया करते थे और गोविंदा के साथ वो उनके शूटिंग्स पर भी जाया करते थे। तो बचपन से ही एक फिल्मी फैमिली वाला माहौल उनको मिला था। पर कृष्णा बताते हैं कि उनके मामा गोविंदा सुपरस्टार तो थे पर कभी भी उन्होंने उनके करियर में उनको कभी मदद नहीं करी और यही कारण था कि कुछ पैसों के लिए कृष्णा को एक असिस्टेंट का काम करना पड़ा था। कृष्णा के पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे तो उनके पिता ने अपना जुहू वाला फ्लैट बेच दिया और एक वन रूम किचन वाले घर में शिफ्ट हो गए। तब कृष्णा अपने घर का रेंट देने के लिए 4-5 हजार वाली छोटी मोटी नौकरियां किया करते थे। पर एक बार कृष्णा कहीं जा रहे थे और अब्बास मस्तान के एक असिस्टेंट डायरेक्टर की नजर कृष्णा पर पड़ी। उस समय मूवी में एक 17-18 साल का लड़का चाहिए था। कृष्णा को वो मूवी ऑफर करी जाती है हीरो बनने के लिए। कृष्णा ने अपने पिता को बताया और कृष्णा ने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। मूवी बनकर तो तैयार हुई पर वो मूवी फ्लॉप हो जाती है और उनको काम मिलना बंद हो जाता है और कृष्णा की तबीयत खराब हो जाती है। कुछ सालों बाद कृष्णा फिर से इंडस्ट्री में वापस आने का मन बनाते हैं और अब वो वापसी रीजनल फिल्मों से करते हैं। सबसे पहले उन्होंने गुजराती फिल्म साइन करी, फिर उड़िया फिल्म, दोनों फिल्में फ्लॉप रही। पर उसके बाद उन्होंने एक भोजपुरी फिल्म साइन करी जो अच्छी खासी हिट रही। उसके बाद उन्होंने लाइन से 27-28 भोजपुरी फिल्में साइन करी और ऐसे उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में इंडस्ट्री में पांव जमाया। ऐसे ही एक दिन भोजपुरी फिल्म करते करते कृष्णा को जैकी श्रॉफ के सेक्रेटरी का कॉल आता है। कृष्णा को एक फिल्म ऑफर किया जाता है जिसमें जैकी श्रॉफ विलन थे और कृष्णा को हीरो का रोल ऑफर होता है। उस मूवी के लिए प्रोड्यूसर कृष्णा को साइन कर लेते हैं और उस मूवी का नाम था पप्पू पास हो गया और इस मूवी में कृष्णा की हीरोइन बनी करिश्मा जो आगे चलकर इनकी वाइफ बनी। वो कहते हैं ना कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है और कृष्णा की मदर उनको बचपन से ही छोड़ के सदा के लिए जा चुकी थी। पर कृष्णा की लाइफ में उनकी सक्सेस का रीजन बनी एक और वुमेन, उनकी वाइफ करिश्मा। उन्होंने ही कृष्णा को कुछ अच्छा करने के लिए इनकरेज किया। वो कहा करती थी कि देखना तुम ये 4-5 हजार से उठकर एक दिन 20 लाख रुपए पर एपिसोड से ज्यादा कमाओगे। उन्होंने ही कृष्णा को टेलीविजन करने के लिए कहा और साथ में नच बलिए ज्वाइन किया। धीरे से कृष्णा कॉमेडी सर्कस में आ गए और समहाउ उनके कॉमेडी पार्टनर बन जाते हैं सुदेश लहरी जी, और सुदेश लहरी जी ही थे जिन्होंने कृष्णा को कॉमेडी सिखाई थी। कॉमेडी सर्कस में इन दोनों की जोड़ी बहुत हिट होती है। एक तरफ कपिल शर्मा और दूसरी तरफ कृष्णा, दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स बन जाते हैं। जब कपिल अपना शो लॉन्च करते हैं और कृष्णा को रोल ऑफर करते हैं, कृष्णा उस टाइम पर इतने फेमस हो चुके थे कि वो अपना खुद का शो लॉन्च करना चाहते थे और वो कपिल को रिजेक्ट कर देते हैं। कुछ टाइम तक दोनों कलर्स में एक शो करते हैं। इसमें कपिल का शो था कॉमेडी नाइट्स विद कपिल और कृष्णा का शो था कॉमेडी नाइट्स बचाओ। पर कुछ टाइम बाद कपिल कलर्स छोड़कर सोनी टीवी ज्वाइन कर लेते हैं। पर अचानक कृष्णा की लाइफ में वो मोमेंट आता है जो इस दुनिया के किसी भी इंसान की लाइफ में कभी नहीं आना चाहिए। कृष्णा को पता चलता है कि उनके पिता को एक थर्ड स्टेज कैंसर है और उनके पिता के पास ज्यादा टाइम नहीं है। कृष्णा ये बात अपने पिता को नहीं बताते हैं। उस समय कॉमेडी नाइट्स बचाओ बहुत पीक पर था, कृष्णा की डिमांड बहुत ज्यादा थी। कृष्णा अपने पिता की देखभाल के लिए शो छोड़ना चाहते थे पर कृष्णा अपने पिता के कारण ही वो शो नहीं छोड़ पाते हैं। आप सब जानकर हैरान हो जाएंगे, कृष्णा स्टेज में जाकर कॉमेडी करते थे
पूरा देश उनकी शो को बहुत प्यार दे रहा था, बहुत जबरदस्त टीआरपी थी। पर बैक से जाकर कृष्णा अपने फादर की हेल्थ के लिए रोया करते थे और ये देखकर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर इवन पूरा कास्ट देखकर हैरान हो जाता था। सब ये सोचते थे कि आखिर इतनी बड़ी प्रॉब्लम में होकर भी बंदा स्टेज में जाकर ऐसी कॉमेडी कैसे कर सकता है। कृष्ण अपने फादर के आखिरी दिनों में उनको पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए। उनके फादर कहते हैं कि मैंने अपने सेठ जी के पास एक लाल कलर की इम्पाला देखी थी, वो मुझे बहुत पसंद थी। और उसी रात कृष्ण अपने फादर के लिए जाकर लाल कलर की स्पोर्ट्स मर्सिडीज खरीदते हैं और वो गाड़ी लेकर उनके फादर सबसे पहले गोविंदा के बंगले में जाते हैं। पर उस समय तक कृष्ण और गोविंदा के बीच में बहुत अनबन हो चुकी थी। वेल, ये अनबन क्यों हुई ये तो मैं आपको डेफिनेटली नहीं बताने वाला, पर अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पर मैं एक वीडियो बनाऊं तो इस वीडियो को एक हफ्ते के अंदर 5000 लाइक्स जरूर दीजिएगा, जो कि डेफिनेटली नहीं होने वाला है। वेल, उस टाइम तक कृष्णा टीवी इंडस्ट्री में छा चुके थे और उन्होंने एक अच्छा खासा नाम बना लिया था। आज वो कपिल के साथ शो करते हैं जिसमें वो पर एपिसोड के 20 लाख रुपए से ज्यादा चार्ज करते हैं।